गांव वगैरह में जो सेकुलर स्कूल होते हैं जहाँ पर ज़्यादातर तालीम मराठी और इंग्लिश में ही होती है, ऐसे माहौल में बच्चों को उर्दू से किस तरह से जोड़े, उर्दू है अरबी है घर में उनको किस ये जोड़े और उर्दू को जो है आगे एक ऐसा सब्जेक्ट भी लेकर जाए आगे ताकि उनके कुछ काम है, इस बारे में कुछ बताएं। मैंने अच्छा सवाल किया कि अगर ऐसे स्कूल में है या शहर से दूर स्कूल है गांव वगैरह में है जहाँ सेकुलर एजुकेशन है सिर्फ इंग्लिश है या मराठी है और उसके बाद उनको उर्दू नहीं है, मतलब हमारा जो कल्चर है उर्दू याद रखिए हमारी मदर टंग उर्दू होती है याद रखिए, कल्चर हमारा नहीं है उर्दू लैंग्वेज नहीं है उनकी मदर टंग, तो इस मामले में हम क्या करें अरबी के लिए उन्होंने कहा। देखिए मैं जहाँ तक जानता हूँ अरबी मकतब तो हर जगह है, चाहे मतलब जिसको बोलेंगे स्कूलों में नहीं मतलब मस्जिदों वगैरह के अंदर जहाँ बच्चों को नाजरा कायदा वगैरह पढ़ा जाता है, तो आप क्या करें सबसे पहले वहाँ डाल दें। और जो अरबी मकतब चला रहे हैं या जो लोग अरबिक पढ़ा रहे हैं मैं उनसे गुजारिश करूँगा, देखिए अरबी के अंदर ऑलरेडी 28 से 29 लफ्ज़ आप सिखा देते हैं जो उर्दू के अंदर आते हैं, अभी सिर्फ इजाफा करना है 8 अल्फाज ये अदा कर देना है, अगर इतना आपने अदा किया तो जो बच्चा अरबी पढ़ सकता है वो बच्चा उर्दू भी पढ़ सकता है। अच्छा उर्दू की खसूसियत अरबी के मुकाबले में क्या होंगी, हाँ वो ये होंगी अरबी को वो पढ़ता है लेकिन समझता नहीं है, उर्दू को वो पढ़ेगा और समझता है उस जबान को क्योंकि वही जबान बोलता है वो बेसिकली। ये उर्दू जबान का जो खित्ता हिंदुस्तान के अंदर ये जिसको कहेंगे एक बदहाली है इस जबान की कि ये जबान हम बोलते हैं ये जबान हम समझते हैं इस जबान में हम ख्वाब देखते हैं ये जबान को पढ़ना और लिखना नहीं जानते है नहीं, ये उर्दू की हालत है ऐसी दूसरी कोई जबान की हालत नहीं है दुनिया में, इस जबान को हम पढ़ते नहीं हैं इस जबान को हम लिखते नहीं हैं लेकिन ये जबान में बात करते हैं ये जबान को ही समझते हैं अच्छे से और ये जबान में ख्वाब तक देखते हैं क्योंकि ख्वाब जिस जबान में इंसान देखता है वो उसकी मदर टंग ही होती है जनरली। एक आदमी अंग्रेज बन जाए हिंदुस्तान से जाकर और वहाँ कितनी भी अंग्रेजी बोले ख्वाब तो उर्दू में ही देखेंगे मरने तक, तो मैं जनरली लोग बोलता तुम जब तक इंग्लिश नहीं होंगे जब तक के ख्वाब तुम्हारे इंग्लिश में नहीं आएंगे, थॉट प्रोसेस इंग्लिश में नहीं होता उनका उर्दू में ही होता है, थॉट प्रोसेस जो होता है ख्वाब वैसे होते हैं ठीक है। तो मैं तो आप देख रहे हो तो ये उर्दू की एक बदहाली या एक समझो इसका बुरा हाल हमने कर दिया, ये जबान को हम समझते हैं ये जबान को हम बोलते हैं ये जबान को पढ़ना नहीं आता हमको ये जबान लिखना नहीं आती। तो अरबी तो आप सीखे रहे ना तो अरबी में नाजरा हो गया अलिफ बा ता सा वगैरह आपने सीख लिया, अब जो एक्स्ट्रा अल्फाज है वो भी आप सिखाई मतलब अरबी जब पढ़ना सीख ले बच्चा एक साल दो साल जो उसके बाद एक थर्ड ईयर में ऐड करिए सिलेबस के अंदर कि उसको फिर बाकी के अल्फाज सीखा और बोले ये उर्दू है और फिर उर्दू उसको पढ़ना सिखाए, ऑलरेडी उर्दू बोलता है ऑलरेडी उर्दू समझता है आप सिर्फ पढ़ना सीख लेंगे और इससे भी आगे जाना है तो आप उसको लिखना भी सिखा दी उस मकतब में, ये हुआ मकतब का हाल। अब मकतब में ये सिस्टम नहीं है तो फिर क्या करना चाहिए, तो फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मकतब में 28 लफ्ज़ सीख के आएंगा वो जो अरबी के हैं जो उर्दू में भी है, इसके बाद के लफ्ज़ आप लोग सिखाएंगे बैठ के घर में है ना, हम लोग सिखाएंगे अपने बच्चों को बाकी अल्फाज सिखा के हम उनको रीडिंग सिखाएंगे डेली शाम में कि तुम ये फला फला पढ़ो और बच्चे ये करेंगे चूंकि उर्दू वो बोलते हैं उर्दू वो समझते हैं अब उनको पढ़ना आ जाएगा, एक बार पढ़ना सीख लिया तो फिर इंशाल्लाह आप उसको लिखाना शुरू कर दें बहुत जल्दी बच्चे उसको टेक ओवर कर लेते, रीजन बीइंग के अरबी जो जबान वो पढ़ रहे हैं वो समझते भी नहीं है और उनको बोलना भी नहीं आती है उसके बावजूद भी सिर्फ सिखाने के वजह सीख लिया है, उर्दू जो जबान समझते भी और बोलते भी है जब आप उसको सिखाएंगे और जल्दी पढ़ते मालूम आप जैसे अरबी में तो उनको एराब की जरूरत है कि ये अलिफ जबर अरब मद आ बा ऐसा पढ़ते हैं ना उसको, लेकिन उर्दू का तो ऐसा है आप खाली उसको बताएंगे ना तो वो फौरन पढ़ना शुरू कर देंगे, रीजन बीइंग कि वो बोलता है ना उसको थोड़े दो अल्फाज पढ़ेंगे त्यागे के फौरन पढ़ लेंगे तो ऐसा होता है। तो लिहाजा फिर घर में आप क्या कीजिए अरबी के 28 लफ्ज़ ले लिए आपने यहाँ से आपने बाकी के अल्फाज ऐड करिए कर। अब आप बोलेंगे अरबी का भी सिस्टम नहीं उर्दू का भी नहीं तो बेसिकली फिर बच्चे को पहले अरबी सिखाइए अरबी जब वो सीख ले नाजरा कुरान उसका शुरू हो जाए फिर उसको उर्दू की तरफ ले जाए उर्दू कीजिए उर्दू भी सिखाइए इसलिए कि अरबी जबान के बाद जहाँ तक मेरा इल्म है सबसे ज़्यादा इल्म का ज़खीरा उर्दू जबान में मौजूद है, लिहाजा उससे बच्चों को अगर आशना करना है टच में लाना है फ़ायदा उठाने लगाना है उर्दू आपको सिखाना पड़ेगी याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट्स पर क्लिक करें, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हक़दार बने, रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।